ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या है बाहर का नजारा। ओके, हेलो एवरीवन। ये वाह, माय गॉड, तो आज है आपका 24 फरवरी 24th February 2024 और सुबह के नज़ारे तो भाई साहब मत ही पूछिए, क्या मज़ेदार है यार। ये ओह गॉड गॉड, है ना अमेजिंग, मजेदार है यार। यार थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ये देखिए। और ये कल ही रात का भी स्नोफॉल हुआ है एक्चुअली, फ्रेश, सो फ्रेश। और यहाँ पे अभी ना कुछ देर में स्किट करके निकल के गिर जाएगा ये सब। ठंडा तो बहुत ज्यादा है, रात में तो बड़ी मजे आए यार। रात में ना वहाँ कहीं दूर में एक रेड कलर का लाइट जल रहा था, लाइक जैसे कोई टावर है या कुछ है वहाँ पे। यस, तो मैं अभी फिलहाल सिक्किम के नॉर्थ पार्ट में हूँ, मैं अभी नॉर्थ सिक्किम में हूँ। इस जगह का नाम है लाचुंग, और लाचुंग में ही, प्रॉपर लाचुंग में ही हम स्टे किए हुए हैं। ये सब लाचुंग का ही पार्ट है, आप देख सकते हैं ये सारे होटल्स। और ना यहाँ से शायद उस साइड की जो पहाड़ी है ना ऊपर की, वो कटाऊ है, तो सामने वाली पहाड़ी जो कटाऊ उसको बोलते हैं। और यहाँ से कुछ लोग युमथांग वैली जाते हैं, कुछ लोग जीरो जाते हैं, बट इतने ज़्यादा स्नो में आई डाउट कि कहीं भी जा पाएंगे लोग, क्योंकि स्नो तो यहीं है ना यार, कहाँ जाएगा कोई, गाड़ी तो स्किड करेगा ना पूरा। ये पेड़ तो लदे हुए हैं यार, माय गॉड यार कितनी सुंदर है। ओके, मैं अभी ना अपने होटल का ये बाहर से भी मैं दिखाऊंगा व्यू, ये होटल सच में अच्छा है। और जनरली ना मेरा ये एक्चुअली 4th attempt है नॉर्थ सिक्किम का, लाचुंग का स्पेशली। और यहाँ पे ना मुझे एक्चुअली ये 4th time में पहली बार ऐसा है जो इतने, मतलब लाचुंग में ही मुझे स्नो मिला। अदरवाइज क्या होता था, मैं लाचुंग से जब युमथांग की तरफ जाता था ना, वहाँ पे बर्फ मिलता था मुझे, वहाँ पे स्नो मिलता था। अदरवाइज वो भी स्नोफॉल नहीं था, मतलब जमा हुआ था, बट वहाँ भी तीन चार फिट मोटा बर्फ मिलता था। और कल हमारा लक अच्छा था, जो कि आप देख सकते हैं छत पे कितनी मोटी मोटी लेयर जमी हुई है, इवन यहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, देख सकते हैं। कल हमारा लक अच्छा था जो स्नोफॉल भी हमें दिखा, और आज सुबह का नज़ारा तो लाजवाब ही है। और यस, हाँ होटल की बात कर रहा था मैं, तो होटल जो है ना इनका खाना बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके पहले 3 बार मैं आ चुका हूँ, और खाने को लेके यार बड़ी प्रॉब्लम होती थी। दूसरे होटल्स में रहता था मैं, बट पहली बार इस होटल में रुका हूँ मैं। पिछली बार आया था एक्चुअली, इस होटल के बारे में जानकारी थी मुझे, बट ये रिनोवेट हो रहा था इसलिए हमें दिया नहीं इन्होंने। इस बार हम आए, हमें मिला, और सच में मज़ा आ गया। हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें कोई ऐसे ही वाले रूम दीजिए जिसमें बालकनी व्यू हो, तो उन्होंने बोला आप इसमें स्टे करिए। ओह माय गॉड यार, ये कैमरे में मुझे नहीं पता कैसा दिख रहा है भाई लोग, बट ना सच में बहुत सुंदर है यार, मतलब मज़ेदार है। देखिए मुझे नहीं पता लोग कितने लोग स्नोफॉल देखे हैं या कितने लोग इस तरह के सिचुएशन से मतलब रहे हैं, बट दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं इतना क्लोज हुआ अपने रूम के बाहर ही इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये जो आवाज़ है ना, ये पानी का धारा है, उधर नीचे रिवर है,
तो हम रिवर के एक्चुअली लेफ्ट साइड में ही है, राइट साइड में जाने पे सारे होटल्स तो उधर हैं, वो सारे ना ज़्यादा मोस्टली होटल्स उधर हैं रिवर क्रॉस करने से, बट हम इधर ही स्टे किए। और आप बहुत दूर वाले होटल्स को देखिए ना, वो सब जो होटल्स हैं ना वो तो बेचारे पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए हैं, ठीक है, दिख भी नहीं रहे यार, है ना। फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेम्परेचर गूगल में तो दिखा रहा है -4, -5, रात में दिखाया था कि ये -9 तक भी जाएगा, लेकिन मैंने देखा था फिर -6 तक गया है वैसे। ओके ओके दोस्तों, तो अभी तो ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल के लिए अभी फिलहाल इतना ही। आज पूरा दिन ही एक्सप्लोर करना है यार मुझे तो। यस, ये ब्यूटीफुल स्नोज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लिप में। ओके दोस्तों, ये देखिए अभी सनशाइन हुआ है, अभी सनशाइन हुआ है और अब नज़ारे देख सकते हैं कुछ कुछ ऐसा है। माय गॉड, सो ब्यूटीफुल नज़ारे यार, सो ब्यूटीफुल। ये देख सकते हैं सनशाइन, इतना सुंदर लग रहा है यार। यहाँ अभी मैंने कट किया था, यहाँ से देखिए, वाह वाह वाह, सो मस्त है यार। माय गॉड, माय गॉड, दिस इज सो अनकंट्रोलेबल इमोशनल मोमेंट एक्चुअली। सो ब्यूटीफुल यार, अरे यार क्या बताऊं मैं दोस्तों। मजेदार भाई, मजेदार। बालकनी वाला रूम मिलना और बालकनी में ऐसे नज़ारे हो जाना यार, भाई साहब मतलब क्या बताएं, सोने पे सुहागा यार, हमारे हिंदी में कहा जाता है सोने पे सुहागा, और वही है यार अभी तो। ये देख सकते हैं जो एक्चुअली लाइट के इफेक्ट से कितना सुंदर दिख रहा है यार। ओह गॉड, इतना तेज से सना रहा है ना, बहुत जोर से आंखों पे आ रहा है यार ये तो। सॉरी, ओह गॉड, मैं ना हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई लोग, बहुत सुंदर लग रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड। चाय तो पी लिया। अच्छा ये मेरे चाय में देखिए इन्होंने ये डाल दिया था भाई, सुनो ये बोले चीनी है। बोलो ना, कैप्चर द वीडियोस। माय गॉड, अभी ना ये थोड़ी देर में गिर जाएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा खिसक के और बाहर आया ये है। बोलो ना यार, एक्चुअली मैं मॉर्निंग में जल्दी जग गया यार इसीलिए, क्योंकि मुझे स्नोफॉल तो देखा बट मुझे सनशाइन देखना था, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वेक अप अर्ली इन माय दिस टाइम। ओके, ओह माय गॉड, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी ना सनशाइन जब हुआ है ना, अभी धीरे धीरे क्या होगा, स्नो सारे पिघलेंगे, वो देखिए स्नो वहाँ का पिघल के गिर रहा है कहीं कहीं का, अभी शायद ये ट्री का गिरेगा, हर जगह का ये स्नो ख़त्म होगा क्योंकि टेम्परेचर राइज होगा तो स्नो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मेरे कप में स्नो भरा था इन्होंने, चलिए हम भर लेते हैं स्नो फिर से, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेट्स फिल द कप और पुट इट हियर। और अभी देखते हैं थोड़ी देर में, ये देखिए पेड़ से भी गिरने लगा है सारा। सॉरी 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 यार, खांसी आ रही है। ओह माय गॉड, हो वाओ वाओ, यार ये यहाँ पे गिरने वाला है यार, ये पानी की इधर से पानी लीक कर रहा है। अभी सनशाइन जो हुआ है भाई, क्या गजब के नजारे हैं यार, मजेदार मजेदार भाई, मजेदार। ये देखिए हमारे बंगाली दादा, सो ही इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग सम क्लिप्स। वाह वाह,
अच्छा, ये जो सनशाइन का मोमेंट था ना, अगर जो किसी को सनशाइन का मोमेंट देखना, तो मैंने ना उस टाइम में लाइव किया था, तो लाइव के मोमेंट का मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो उस टाइम में सनशाइन हो रहा था, सो वो मेरे लाइव में कैप्चर हुआ। बट लाइव में क्या होता ना, इंटरनेट अच्छा नहीं था, तो इसलिए प्रॉपर उतना सुंदर तो नहीं आएगा जितना सुंदर अभी आएगा ये। ओके सो ये देखिए दोस्तों, ये स्नो अभी भी नहीं पिघल के गिरा है और मैं वेट कर रहा हूँ उसके पिघल के गिरने का। ये देखिए पौधों से ना, पेड़ों से ये गिरने लगा है, क्योंकि ये गर्मी हो रहा है ना, अभी टेम्परेचर बढ़ गया है, तो ये सारे घर बर्फ़ ना अभी पिघल के गिर जाएंगे। ऐसा हमें पता चला कि कल दोपहर से, यानी 23 फरवरी के दोपहर से ही ना यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, और हम आए करीबन 7 बजे, तो हमें तो बहुत अच्छा खासा स्नो मिला, स्नोफॉल भी मिला, और नज़ारे तो मत ही पूछिए। मैं एक दो बार तो गिरने से भी बच गया। हमारे ड्राइवर साहब तो आज सुबह सुबह बता रहे थे, बाहर गए थे घूमने, गिर गए। एक्चुअली स्नोफॉल होने के बाद में ना स्नो हार्ड हो जाता है ना, फ्रेश होता है तो एकदम टाइट होता है, वो सॉफ्ट होता है, बट अभी तो पूरा हार्ड हो। वो ट्री में देखिए ना कैसे गिर रहा है यार, वो देखिए उस पेड़ में ना सारे स्नोज पिघल के गिर रहे हैं, उसके ब्रांचेस हल्के हैं ना, सो वो होल्ड नहीं कर पा रहा है अभी। और ये सब ना थोड़े घने ब्रांचेज है, तो इन पे होल्ड है ना। जी हाँ, वो मेरी बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं 4 बार, ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, और फर्स्ट टाइम मुझे स्नोफॉल और इतना स्नो इन लाचुंग में मिला। अदरवाइज मुझे स्नो तो मिलता था, बट दूर मिलता था थोड़ा, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर। 2018 में आया था, तो 4-5 किलोमीटर दूर था। क्या नजारे यार, तू गिर जा भाई, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। कैसे बताओ दोस्तों, सो एक्साइटेड। ये देखिए यहाँ पे भी स्नो है। स्टेयर्स पूरा स्नो से कवर्ड, फुली कवर्ड, सराउंडिंग्स इज फुली कवर्ड विद स्नो। मैं तो अभी बालकनी में ही रह गया यार, बाहर तो निकलने का मुझे मौका ही नहीं मिला। इतना खूबसूरत बालकनी है, कौन निकलेगा बाहर, आप ही लोग बताइए, है ना भाई। मैं तो इधर ही बस जाऊँ, ऐसा मन कर रहा है यार, मतलब जब तक स्नोफॉल हो रहा है तब तक। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेस है लाइक खाने का, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। गैंगटोक से ये 125 किलोमीटर दूर है लाचुंग, सो आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव है। एक्चुअली होटल बहुत कॉस्टली है, सो इसलिए थोड़ा सा ना यहाँ पे स्टे करना थोड़ा कॉस्टली है। अच्छा, ये वाले पिघल के गिर रहे हैं, ये हमारे होटल का है, और ये बगल वाले होटल का है। बगल वाला भी नहीं गिरा, हमारे होटल का थोड़ा थोड़ा गिरना स्टार्ट किया है, तो ये बरमंदा ने बना रखा था। ये देखिए हिल गया, हिल गया, हिल गया, हिल गया, हिल गया, हिल गया, हिल गया। ये देखिए वाव वाव, सो देखिए सन उतना ऊपर। हाँ, इग्लू नहीं बोलते क्या, क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या बोलते हैं इग्लू में तो लोग रहते हैं, मैं भी भूल गया क्या बोलते हैं यार इसका जो शेप बनाते हैं। मैं भी भूल गया, हाँ यस, हाँ ओके। सो फाइनली दोस्तों, ये देखिए सन तो इतना ऊपर चला गया है, शायद दोपहर तक रहेगा, मैंने देखा था ये 11-12 बजे तक ये रहेगा इस तरह से, फिर उसके बाद में मौसम ख़राब होगा, स्नोफॉल के चांसेस रहेंगे, और स्नोफॉल के चांसेस के साथ साथ में बारिश भी होने के चांसेस दिखाया है। एक्चुअली बारिश में ही स्नोफॉल का चांस बढ़ता है। यस माय गॉड, मैं तो इतना फोटोज ले लिया यार। तो ये देखिए, ये कुछ कुछ इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, ज्यादा नहीं गिरा। फिर से ट्राई करिए। ओके, नहीं मजा आया यार, धत वहाँ सीढ़ी से उठाइए ना, बगल से है, बगल में है स्नो, नीचे बहुत नीचे है। अच्छा, नहीं पहुँच पाएंगे, जाके पेड़ हिलाइए ना बरमंदा।
वो गिरा, ओ माय गॉड, तब से वेट करते करते अभी गिरा। सामने जगह तेरी लगा ना, तब उठा लेना। हाँ हाँ, चलिए पानी पीना पड़ेगा जगह पहले पानी। हाँ यार पानी पीते हैं, पिया नहीं अभी तक, मैं भी नहीं पिया। चलो पीना, पानी पी के चाय पी लिया। अरे कोई बात नहीं, होता है ना, होता है, होता है, सब कुछ होता है यार। थोड़ा तो बहुत ओके। धूप बहुत अच्छा निकल गया है, 2 घंटा रहेगा ना, बहुत निकल देगा। हाँ पूरा पिघला देगा ये तो। ओके सो मैं सुबह सुबह आया था यहाँ पे गर्म पानी पीने। ये कुछ कुछ इनका रेस्टोरेंट, प्लीज़ वहाँ रख दीजिए, वहीं रख दीजिए, मैं ले ले रहा हूँ। आइए मैं यहाँ से कुछ कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। कल रात में मैंने यहीं से कुछ कुछ फ़ोटोज़ लिए थे, यहाँ से बहुत सुंदर आ रहा था यार। ये देख सकते हैं, वाव सो ब्यूटीफुल है ना, कितना सुंदर बालकनी है इनका, आई मीन कितना सुंदर नज़ारे हैं यार। वाव सो थैंक यू, थैंक यू। इधर ऑप्शंस भी हैं देखिए। वाओ अभी तो टाइम हो गया पिघलने का, 1-1.5 घंटे में सब पिघल के ख़त्म हो जाएगा ये। सो अभी हम अपने होटल से निकल चुके हैं बाहर, और बाहर का नज़ारा कुछ कुछ इस तरह से, ये स्नो पूरा जमा हुआ है, पूरा रोड स्किडी है, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ चल रही हैं, और ये सामने एक पहाड़ी, वाओ। हाँ, तो ये देखिए, ये मुझे ना स्नो फेंक रहे हैं। भीग जाएगा टी शर्ट। ओहो और भी लास्ट 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 हो गया हो गया हो गया। सानुदा तो जब हमारा सानुदा गिर गया तो मुश्किल है, तो वाव। कल रात में मैं ही नहीं कहीं वीडियो बना रहा था स्नोफॉल देख देख के। ये देखिए चलने का तरीका, ये शायद यहीं पर रहते हैं। मेरा तो तबीयत ही ख़राब हो गया यार, एक्चुअली थोड़ा थोड़ा फीवर सा आ रहा था, सर दर्द हो रहा था। क्या बर बंदा, ये तो डर रहे हैं, देख रहे हैं चलने से भी ना। आइए कम ऑन, अरे आइए ना, हट, स्लिपरी है स्लिपरी है, क्या स्लिपरी है। एक्चुअली रोड ना वो स्नो पूरा जम गया है यार, जिसकी वजह से पूरा स्लिपरी हो रहा है। अरे मैं यहाँ तक आ गया, ये कह रहे नहीं होगा, आइए ना, चलिए आइए आइए। वो डर रहा है एक्चुअली, बहुत स्लिप कर रहा है। गिरने से क्या है, थोड़ा सा गिरिए ना। ये ट्रक इतने सारे स्नो थे, ये चैन बांधा जा रहा है। चैन लगाया जा रहा है, सानुदा क्या हो रहा है। ओके वाह माय गॉड सो ब्यूटीफुल। चलिए अभी आगे का मैं वीडियोस कुछ बनाऊंगा यार, जगह कम हो गया मेरा। वाह
ये हमारे सानूदा ने हमें मधुमक्खी का छत्ता कहीं दिखाया है। देखिए बर्मदा को हेल्प की जरूरत पड़ रही है इनको। यहाँ पे कहीं पे मधुमक्खी का छत्ता भी है। सोचिए इस जगह मधुमक्खी, यार कहाँ पे है सानूदा मधुमक्खी? ओ देखिए, कहाँ देखूँ मैं? ओ हाँ, दिखा दिखा दिखा। यस, ये पहाड़ियों से ना लगा हुआ है, इसमें दिखेगा क्या? हाँ यस, ये ना आप लोग ये उस तरफ भी है, देखे ना, ये थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है ना, मेरा फोन अच्छा नहीं है यार, सॉरी। जिसे भील मौरी बोलते हैं ना, भील मौरी करके समझो क्या बोलते हैं। चलिए फिलहाल नज़ारे देखते हैं यार, मधुमक्खी का क्या है। भील मौरी एक्चुअली बहुत कॉस्टली पड़ता है इसका शहद। हाँ, कितना रुपये करके मिलता है सानूदा किलो? किलो नहीं, बोतल के हिसाब में होता है। हाँ, अरे मतलब वही बोतल कितने ml का होता है? 100 ml, 200 ml, 500 ml? दारू कितना भर? दारू, ओ माय गॉड, सो आप समझ सकते हैं पैरामीटर क्या है। तो दारू कितने ml का होता है? 750 ml का होता है, या कितना ml होता है? उतना होता है एक्चुअली। अम्मा, एक बोतल का 5000, तो आप समझ सकते हैं भील मौरी वाले जो स्नो मधुमक्खी का जो शहद आता है वो एक बोतल का 5000 रुपये 10000 रुपये इस तरह से होता है। एक्चुअली बहुत ही टफ लोकेशन पर लगाती हैं मधुमक्खियाँ। अरे वाह, ये तो हम निकल चुके हैं एक्चुअली एक्सप्लोर करने, और ये नज़ारे सुबह सुबह हमारे सानूदा, ये हमारे ड्राइवर साहब। सानूदा हेलो करिए, हेलो। ये देखिए ये हंसते रहते हैं, और इनका सेक्सी स्माइल। इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी इनकी स्माइल के ही। तो सानूदा कुछ कहानियां बताइए ना यार। सानूदा शर्मा रहे हैं, यहाँ से नज़ारे देखिए ना, ये पूरा लाचुंग टाउन है सानूदा। हम पूरा लाचुंग टाउन। अरे गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, जल्दीबाजी नहीं करना है, ज़्यादा गिर जाएंगे नहीं तो। बरमंदा कहाँ छिप गए? बरमंदा आइए, आ जाइए, कम ऑन, चलो लेट्स गो। मुझे तो मजा आ रहा है, लेकिन वो तो डर रहे हैं यार, क्या करें। ये सब देखिए स्नो गिर रहा है, हाँ सब पिघल रहा है। ये मुझे तो गाना भी नहीं आता गाना यार, ना सानूदा मुझे गाना ही नहीं आता यार, नहीं इतना अच्छा मौसम है, इतना मस्त नज़ारे हैं यार, गाने इतने सुंदर सुंदर बनेंगे इस पे। वाह 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 वाह, सानूदा गाइए गाइए, मौसम प्यार का यूं ही बदलता रहे। और आगे आगे सानूदा मुझे नहीं आता है, मालूम नहीं, ओके सो इग्नोर इट। जहां तक गाना आया गाए, इतने मस्त नज़ारे, कुछ तो गाया गया। सो अभी हम दोस्तों लाचुंग में हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, और हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं लाचुंग में। बड़ी शांति शांति, एक्चुअली क्या टूरिस्ट उतना ज़्यादा नहीं है, बच्चों के स्कूल एग्जाम चल रहे हैं, तो इसी वजह से टूरिस्ट फॉल बहुत कम है, और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा है। टूरिस्ट फॉल कम, स्नोफॉल ज़्यादा। जब टूरिस्ट लोग आएंगे तो उनको ये जमा जमा मिलेगा, फ्रेश स्नो तो शायद ही नहीं मिले। हमारे बरमंदा बहुत डर रहे हैं। ये देखिए बूट, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, वाटरप्रूफ वाले बूट ही लोग कैरी करते हैं, पहन के चलते हैं, क्योंकि मतलब थोड़ा भीगने का भी डर रहता है। हमारा सूट तो भीग गया, रात में भीग गया था यार, अभी तो भीगा है पूरा।